इस्लाम में हस्बैंड को खुश ना रखना गुनाह है। ईशा मिर्जा लेके पढ़ने दे। शुक्र मनाओ, औरत को सिर्फ खाना बनाना है और हस्बैंड के साथ सोना है। हम जैसे मुजाहिदों की तरह गोली नहीं खानी है। मेरे बेहोश के आलम में मैं रेप करता था। बहुत अच्छी मूवी थी, सबको देखना चाहिए। मतलब अच्छी किस नजरिए से अच्छी है जो सबको देखना चाहिए? बहुत ही अच्छा मैसेज है एक्चुअली। इसको रिलीजन से बहुत कनेक्ट किया जा रहा है, बट इट इज नथिंग अबाउट रिलीजन, इट्स मोर अबाउट यू नो ISIS एक आतंकवादी सोसाइटी की तरफ मूव करता है। ये रिलीजन से काफ़ी परे है और मुझे तो लगता है सबको आके देखना चाहिए, बीट ऑफ एनी रिलीजन, हर इंडियन को आके देखना चाहिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है। ये इसको कैसे पोर्ट्रे करें, ये एक मतलब ये केरला की ही परेशानी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये केरला की परेशानी नहीं है, ये एक एक्चुअली वर्ल्ड की परेशानी है। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जी, जो लोगों को रिलीजन के नाम पे भी गलत पोर्ट्रे करते हैं जी, और उसके नाम पे लोगों को ट्रैप करते हैं। ये बेसिकली एक ट्रैप है। मैं मिलने गई थी उससे, पर मैंने उसे मना कर दिया था कि मैं कन्वर्ट नहीं होऊंगी। उसने मेरी क्लास में लॉक मिला दिया। तो इस मूवी से मैसेज क्या मिला आपको, जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे? कि दुनिया बनाने वाला और दुनिया को चलाने वाला सिर्फ एक है, वो है अल्लाह रसूल पाक। मैसेज इस मूवी से यही है कि लोगों को थोड़ा अपने खुद के प्रति अटेंटिव रहना चाहिए, थोड़ा सा सजग रहना चाहिए और रूटेड रहना चाहिए अपनी ओरिजिन, जो भी लोगों का ओरिजिन है उससे रूटेड रहना चाहिए, बीट एनी रिलीजन। थैंक यू आप काफी अच्छा बोल रहे हैं। अपने रिलीजन के बारे में जानना चाहिए और समझना चाहिए और जो है उन लोगों को इतना अच्छी जल्दी बहक नहीं जाना चाहिए, उनको समझना चाहिए अपने रिलीजन का। अब्दुल ने गीतांजलि और उसकी फैमिली को बर्बाद कर दिया। ये मूवी क्या संदेश दे रहा है? क्या बताऊँ, आप मूवी का संदेश दे रहा है, हिंदू को जो खराब कर रहे हैं उसको सही करो, सब मिलके। अल्लाह को अपनी दोनों आंखों को बंद करके महसूस करो, उससे दुआ मांगो, इसके लिए किसी चर्च या मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया तुझे? हाँ, कल हिजाब पहन के आया, आज प्रसाद नहीं ले रही हूँ। लड़कियों को लेकर इस मूवी को लेकर हमारे देश में काफी अभी विवाद चल रहा है, तो क्या मैसेज दिया गया है? वही लड़की को सावधान करो। तुम हिंदू? मैं भाग्य लक्ष्मी, हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन है, बाकी हिंदू है। माँ बाप को करना पड़ेगा, माँ बाप को सावधानी, बस वही है। अभिषेक, कल भगवान को भी नहीं मानेंगे तू? कल जगह पे पढ़ने के लिए नहीं भेज दिया ना तुझे? अब वो तो इंटरनली बहुत सारा गलत हो रहा है, लेकिन लोगों को देखना बहुत जरूरी है, खासकर हमारे कम्युनिटी के लोगों। कुछ दिन में हॉस्टल में सबको पता चलेगा, मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगी, बात घर तक पहुंच जाएगी, एवरीबॉडी विल गेट नो। जो तुम प्रॉब्लम बोल रहे हो उसका भी सलूशन है, तुम रमेश के साथ शादी कर लो। उठाओ, मतलब आप इस मूवी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे हमारे लोगों से? मतलब ये मूवी मतलब बहुत रियल है, बट और बहुत डिस्टर्बिंग भी है। मतलब इसमें कुछ सीन ऐसा है कि मतलब फैमिली कैसे प्रूव करेगा मेरा? तो इस्लाम कबूल लेगा? फिर तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व है। अच्छा, अभी आप लोग ये जो मूवी देख के आई हैं, इस मूवी से क्या मैसेज मिला? बोल रहे हैं लोग कि लड़कियों को ये मूवी जरूर देखना चाहिए, तो क्यों देखना चाहिए लड़कियों को ये मूवी जरूर? फिर तो निकाह के बाद ये बच्चा तुम दोनों का लेजिटिमेट चाइल्ड होगा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तुमको? शालिनी को इस्लाम कबूल करना होगा शादी के लिए, कन्वर्जन। इंस्पायरिंग मूवी है। मतलब क्या संदेश, क्या मैसेज? देखिए, हर चीज का दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसमें क्या पॉजिटिव है? पॉजिटिव लाइक जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनको एक अच्छी नॉलेज मिल रही है कि ये सब होता है, तो मतलब अवेयर हो सकते हैं ये सब चीज से।
मैं हिजाब पहनने के लिए तैयार हो गई, बट सडनली ऐसा मुस्लिम बन जाना। क्यों? तुम मेरे लिए, हमारे लिए। उनको एक बार ये मूवी देखनी चाहिए, बट कुछ कंटेंट्स ऐसे भी रखना चाहिए था कि मतलब इसको ए ग्रेड मूवी नहीं बनाना था, लाइक सब वॉच कर सके ऐसी रखना था। मतलब इसमें कुछ एडल्ट सीन भी हैं। यहाँ तक है हमारा प्यार, हाँ? Don't be silly, okay? Please understand what she's going through. She just needs some time to think, okay? अगर हम दोनों शादी कर ले तो देन सब ठीक हो जाएगा। सर इस मूवी के बारे में आप लोग कुछ बोल पाएंगे? बस आप दूल्हों को खत्म करो, भरोसा करो मुझ पे, कबूल है। ओके, कबूल है, कबूल है।